देश भर में आज कार्तिक मास के अंतिम दिन पवित्र नदियों में घाटों पर आस्था का भारी जनसैलाब उमड़ा। ओडिशा के भुवनेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बोईता बंदना यानी नौका उत्सव मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए। बता दें कि इस त्योहार के दौरान लोग जल निकायों में छोटे केले, कागज या थर्माकोल से बनी छोटी नावों को तैराते हैं। लोगों ने सुबह पारंपरिक आका मां बोई गीत गाते हुए नाव तैराई। ये कार्तिक के पवित्र महीने के दौरान अर्जित आशीर्वाद के साथ नाविकों को उनकी यात्रा के दौरान सुरक्षित रखने की प्रार्थना है। सारे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी गंगा और अन्य पवित्र नदियों के घाटों पर मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने इस मौके पर गंगा में डुबकी लगाई और सुख समृद्धि की कामना की। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार में भी देर रात से ही हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर श्रद्धालु पहुंचने लगे और गंगा स्नान कर पुण्य की कामना की। दूसरी तरफ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में भी गंगा नदी में श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। नदियों में डुबकी लगाना कार्तिक के महीने में बेहद पवित्र माना जाता है। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के गुरुद्वारों में सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में गुरु पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु नानक जयंती के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सरोवर में श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। इसके अलावा दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में भक्तों की भीड़ उमड़ी। उन्होंने इस अवसर पर पूजा अर्चना भी की। गौरतलब है कि कार्तिक माह का आज आखिरी दिन है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान और लक्ष्मी नारायण पूजन का विशेष महत्व है। वहीं इसी दिन गुरु नानक देव जी की जयंती भी गुरु पूर्णिमा के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है और उनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। बता दें कि गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश दिया था जिसका अर्थ है ईश्वर एक है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक ना जाएं।